हेलो गाइस, इन दिस वीडियो यू आर लर्निंग वैल्यूएबल रिस्क एंड दैट टू पॉसिबली इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड वैल्यूएबल रिस्क कॉन्सेप्चुअली इन दिस एंटायर स्टोरी। तो यू हैव लर्न इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समथिंग कॉल्ड ए स्टैंडर्ड डिविएशन। यू नो वॉट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो वैल्यू। तो वॉट हैपन्स इज इन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वेन यू यूज योर मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज द टाइम वेन यू अंडरस्टैंड कि द मैक्सिमम चेंज द वॉलेटिलिटी वॉट अ स्टॉक कैन हैव दैट इज कॉल्ड अ रिस्क, पॉसिबली द एवरेज रिस्क, एंड दैट इज वॉट यू हैव लर्न इन योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वॉट हैपन्स हियर इज दैट इज एन एवरेज रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी और अ पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। बट वॉट इफ अ सिचुएशन कि टूडे इफ आई एम इन्वेस्टिंग एंड हैविंग अ पोर्टफोलियो वर्थ 1 करोड़ एंड टुमोरो मॉर्निंग आई वॉन्ट टू नो वॉट कैन बी अ मैक्सिमम लॉस वॉट आई कैन हैव इन अ सिंगल ट्रेडिंग डे। आई मीन टू से कि स्टैंडर्ड डिविएशन वुल मेजर एवरेज वॉलिटिलिटी, एवरेज वॉलिटिलिटी दैट इज अप एंड डाउन वॉट कैन हैपन टू अ स्टॉक एवरेज। बट मुझे ये देखना है कि इन अ डे मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, डिविएशन ऊपर नीचे, लॉस नीचे। एक दिन में मैक्सिमम लॉस कितना कर सकता हूँ, 2 दिन में कितना कर सकता हूँ, 5 वर्किंग डेज में कितना कर सकता हूँ। इफ इज देयर एनीथिंग विच कैन हेल्प मी टू फाइंड आउट दैट, वेल देन विट इज वैल्यूएबल रिस्क विच एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड अ मैक्सिमम लॉस विच कैन बी कॉस्ट टू अ पोर्टफोलियो इन अ सिंगल और अ मल्टीपल ट्रेडिंग डेज अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस। द वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ विच कम्स अप हियर इज अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बहुत काम में आता है टू अज्यूम नॉर्मल मार्केट कंडीशंस। तो आपको आई होप पहला पार्ट समझ में आया होगा कि हमें इससे मैक्सिमम लॉस कितना होगा वो समझ आ जाएगा। अब सर ये जान के फायदा क्या? पहला फायदा इन्वेस्टर के लिए कि वो जान सके कि उसका वैल्यू एट रिस्क कितना है, जितना डूब सकता है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं समझाता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सेम वुल बी कैलकुलेटिंग मार्जिन मनी, क्योंकि अगर आप किसी को मार्जिन से खेलने की कोशिश खेलने दे रहे हो, इन्वेस्टर या ट्रेडर और स्पेकुलेटर जैसे फ्यूचर्स ऑप्शंस, तो फ्यूचर में उस मार्जिन मनी को कैलकुलेट करना कि कितना मार्जिन में आप ये पूरा लॉट ले सकते हो, तो दैट मार्जिन कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन द वैल्यू एट रिस्क कि कितना लॉस हो सकता है इन अ डे, उतना मार्जिन ले लेते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कमिंग अप हियर कि वैल्यू एट रिस्क से हमें क्या फायदा होगा। इट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट मार्जिन्स समथिंग फॉर हेजिंग पर्पज। प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए हेज करना है तो हेज करने के लिए हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम क्या कैलकुलेशन में ये भी हमें वैल्यू ट्रेस काम में आ सकता है। चलो ठीक है, ये आपको मीनिंग और पर्पस समझ में आ गया। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट मेकिंग इट वेरी कॉन्सेप्चुअल टू अंडरस्टैंड विथ ऑलमोस्ट कवरिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम व्हिच हैज कम अप इन एग्जामिनेशन इन अ मिनिमम टाइम। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। वी हैव अंडरस्टूड दिस फेज। नाउ द थर्ड थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज सी, यहाँ पे ना इन्होंने फीचर्स दिए हमें कि हमें क्या क्या लगता है इन 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 दिस केस। तो वी नीड व्हाट वी नीड, यार जस्ट अ सेकेंड, देयर समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो देखो क्या चाहिए क्या हमें यहाँ पे वैल्यू और रिस्क को ढूंढने के लिए। हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जेड स्कोर, प्रोबेबिलिटी, टाइम होना, ये सब चाहिए एंड योर डिविएशन। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क इज इक्वल टू व्हाट योर पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी।
इनटू जेड स्कोर इनटू नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन अ स्क्वायर रूट फॉर्म। यानी मैं ओपनली बोलूं तो मानो 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 3% स्टैंडर्ड डेविएशन है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 1 है, एक दिन का चाहिए, और आपको एंड टेबल से जेड स्कोर का वैल्यू जो भी आया है 2.33 आया है, तो 10 करोड़ इंटू 3% इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 2.33 एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ वैल्यू एट रिस्क डिफाइंड। ठीक है नाउ सर, ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल लग रहा है, वेरी सेटल्ड। 10 करोड़ इज माई टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डिविएशन 3% इंटू जेड स्कोर एंड नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। तो अभी ये केस लिए काम में आएगा, कितने दिन का ढूंढना है, एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, वॉट एवर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज के लिए काम में आएगा। आप उसको स्क्वेयर रूट क्यों कर रहे हो सर? स्क्वेयर इसलिए कर रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है हमारे पास, वो कौन से वैल्यू पे आती है? स्क्वायर रूट फॉर्म में आती है। इफ यू रिमेंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट फॉर्म, वराइज इज अ नॉन स्क्वायर्ड फॉर्म, अनस्क्वायर्ड फॉर्म। तो ये वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1 से, सो यू विल नॉट गेट अ जस्टिफाइबल नंबर, बिकॉज एक रूटेड होगा, एक नॉन रूटेड होगा, इसलिए हमें यहाँ पे इससे मैच करने के लिए करना है। अब आप ये भी समझ जाओगे कि भाई वैल्यू एट रिस्क मैक्सिमम लॉस कितना फॉर्म कर सकता है। आपको कोई भी सम मिले, एक होगा पोर्टफोलियो वैल्यू, दूसरा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा होगा नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, और चौथा होगा जेड वैल्यू। चार वैल्यू ढूंढो, आपका काम हो जाएगा। एनी सम व्हाट यू वांट टू। मैं जानू सम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू मेक इट मिनिमम। आई शेयर अ पीडीएफ इन केस इफ यू वांट टू सॉल्व द सम्स टुवर्ड्स इट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी भी हो सकता है या पोर्टफोलियो भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है एग्जाम्स में कि अगर वो आपको पोर्टफोलियो का डेटा दे बट पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन ना दे, देन यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वैल्यू एट रिस्क। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एज पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ढूंढना पड़ेगा और फिर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टली दे दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो यू हैव टू रीवर्क एज पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड देन कम योर पोर्टफोलियो वैल्यू इंटू ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इंटू नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इंटू जेड वैल्यू। फेयर इनफ। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर वैल्यू एट रिस्क इज द मैक्सिमम लॉस व्हाट आई कैन मेक, दिस इज माई पोर्टफोलियो वैल्यू, दिस इज माई रिस्क, दिस इज माई नंबर ऑफ डेज। सर ये जेड से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक क्या हो सकता है? दैट इज द लास्ट फेज, उस पर भी मैं आता हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ। जस्ट सी दिस एलिमेंट हियर नाउ, सिर्फ इतना समझ लो कि ऐसा हो सकता है पेपर में कि वो आपको ऐसा बोले कि मुझे मैक्सिमम लॉस जो करना है, मैक्सिमम लॉस जो मुझे करना है, यानी मैक्सिमम रिस्क जो मुझे लेना है वो 10 लाख है, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, मेरा नंबर ऑफ डेज इतना है, और मेरा जेड स्कोर इतना दिया होगा। तो ऐसा हो सकता है कि पेपर में इंस्टेड ऑफ आस्किंग वैल्यू एट रिस्क दे विल आस्क यू व्हाट, बता दीजिए पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी होगी। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाओ। यही 2 लास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे कि पोर्टफोलियो वैल्यू पूछिए इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ रिस्क। तो करना क्या है, मल्टीप्लाई दिस एंटायर फेस, इससे डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, पोर्टफोलियो वैल्यू मिल जाएगा। यानी अभी तक के पेपर में द टू थिंग्स व्हाट कैन हैपन टू यू इज इधर इंस्टेड ऑफ वैल्यू एट रिस्क दे विल आस्क यू टू फाइंड पोर्टफोलियो वैल्यू एंड मैक्सिमम लॉस जो रेडी है बेयर करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम वैल्यू एट रिस्क बोलेंगे, दैट विल हैव बीन गिवन। तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा डायरेक्टली ऑन दैट जोन। अब इस पार्ट का लास्ट फेज, ये जेड स्कोर की स्टोरी, राइट? शुरू करते हैं जेड स्कोर की स्टोरी। देखिए बच्चों, सी आई हैव जस्ट केप समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज योर एन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस इज योर एन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस टेबल में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्स बार, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड समथिंग कॉल्ड एज एक्स। अब है ना,
आपको जो जेड की वैल्यू मिलेगी ना, जेड की वैल्यू जो इस टेबल से मिलेगी, एग्जाम में आपको दे दी होगी, बट मैं कुछ ट्राई करता हूँ कि आपको मैं कुछ समझा सकूँ जो शायद आपको काम में आए जेड को समझने के लिए। देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पे वन सेकेंड, आपको यहाँ पे एक्सेल स्क्रीन पे एक डेटा दिख रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज दिस डेटा। तो यहाँ पे मैंने ना 10 स्टूडेंट लिए, आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट इज योर जेड टेबल, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर। नाउ आपके इस सम में, अरे यार एक्सेल शीट आपको दिख रही होगी, आई होप सो, ठीक है। आई वंडर, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि 10 स्टूडेंट का डेटा लिया मैंने, और मैंने लिखा कि 10 स्टूडेंट के लास्ट एग्जाम में कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 50। तो किसी को 35, 30, 40, 20, 50, आउट ऑफ 50, 45, ऐसा करके मैंने सबके मार्क्स लिख दिए, ठीक है। अब मार्क्स लिखने के बाद मैंने उसका मीन किया, यानी मैंने टोटल को डिवाइड बाय 10 किया, तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स जो है यहाँ पे वो है 33.2, दैट इज 33.2 एवरेज आउट ऑफ 50। मैंने उसी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, मुझे आया 10.63767। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इसी डेटा को मैं एन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यूज कर सकता हूँ। आई होप यू गेट दिस डेटा। या 33.2 को नोट कर लो आपके एक रफ पेज पे, और 10.67637 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको नोट कर लो। नंबर ऑफ डेटा 10 का है, ठीक है। अब यहां से मैं आई एम कमिंग बैक टू द ग्राफ। अब ये क्या कहता है बताए बच्चों, आपका मीन एक बार 33.2 मार्क्स है, यानी ऑन एन एवरेज बच्चों को जो मार्क्स आए हैं वो है 33.2, 33.2। और आपके इस डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन जो था वो कुछ 10.63767 था। तो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आई होप आप फटाफट, आई आई अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ टाइम वॉन्ट यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, नॉट मोर देन एन एलिमेंट, सो लेट्स ट्राई। अब देखो ये कहना चाहता है कि जब कोई बंदा अपने टोटल डेटा को, टोटल डेटा पॉइंट अभी इस एग्जाम 10 स्टूडेंट्स हैं, सैंपल साइज 10 हो सकती है, 500, 1000, 10,000 हो सकती है, जब उसको उसके मीन के आजू बाजू में प्लॉट करता है, मीन कितना है अपना 33.2, मैक्सिमम कितना था अपने एक बच्चों को एग्जाम में 50 था, और यहाँ पे कुछ लो होगा से 15 मार्क या 20 मार्क, वॉट एवर, तो किसी को मीन से कम है, किसी को मीन से ज्यादा है। लेकिन ये कहता है कि ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज जब हर बच्चे के मार्क्स को, ये तो 10 का एग्जाम्पल लिया था, मानो 500 का एग्जाम्पल था, हर बच्चे के मार्क्स को आप उसके मार्क्स के हिसाब से ऐसे प्लॉट करते जाओ, जो मार्क्स है उसको प्लॉट कर दो, ये पूरा ये आपका एक्स बेसिस आपका पूरा मार्किंग मार्क्स का डेट लाइन है, आपने सिर्फ प्लॉट कर दिए सबके मार्क्स। जैसे आपने मार्क्स प्लॉट किए और उसको प्लॉट करने के बाद ऊपर लाइन बनाई, तो ये जो लाइन बनेगी बच्चों वो बेल शेप कर्व बनेगी, क्या बनेगी, बेल शेप कर्व बनेगी। और जब ये बेल शेप कर्व बन जाती है उससे पहला इंफॉर्मेशन ये बाहर आता था अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डे के टोटल डेटा पॉइंट्स का, टोटल सैंपल साइज का 68%, कितना परसेंट, 68% वो आपके मीन के, वो आपके मीन के आजू बाजू में, इसको -1 +1 से डिनोट करते हैं,
टोटल सैंपल साइज का 68% कहाँ होगा? मतलब अगर 10 बच्चे हैं तो 6.8 बच्चे के मार्क्स कहाँ होने चाहिए? 33.2 से आजू बाजू। सर आजू बाजू मतलब क्या? माइनस वन प्लस वन, उसका मतलब क्या वो भी समझा देता हूँ, ज्यादा सुनो। अब जेड का फॉर्मूला था एक्स माइनस म्यू अपॉन हैनर्ड इक्वेशन। आपका एक्स है क्या? मैं बोलता हूं क्या। अब आपका है ना 33.2 आपका मीन है, लेकिन उसमें से जब मैं 10.63 मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू है माइनस करूंगा ना, तो मेरा एक्स मिलेगा। मतलब अगर मेरे मार्क्स कितने होते, 33 माइनस 10.63 होते, सुना ध्यान से, माइनस 33.2 या वो मेरा म्यू है मतलब एक्स बार, डिवाइडेड बाय 10.63767। अब जब आप ये करोगे ना, तो आई होप इसका आंसर जो आपको आएगा 33.2 माइनस 10.66767 वैल्यू होगी, उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 33.2 को डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो माइनस वन और प्लस वन के रेंज का आएगा। यानी जो मैंने आपको ये डिनोट किया है ना, ये आपका पहला दो फैक्टर बनेगा। और मतलब अभी 33.2 से आप, और देखो मीनिंग ऑफ 10.63 ये था कि मेरे मार्क्स 10.63 से चेंज हो सकते हैं, तो मैंने जब 33.2 मार्क्स को 10.63 से चेंज किए तो कितने मार्क्स बनेंगे? या तो वो 23, या तो वो 23 के आसपास बनेंगे, या तो वो 43 के आसपास बनेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट बच्चों। 33.2 का अगर मैं डेरिवेशन प्लस करूँ और डेरिवेशन माइनस करूँ, 10.63 का डेरिवेशन आपके पास, उसको मैं ऐसे ही लमसम लूँ, तो आपका ये 43 समथिंग और यहाँ पे ये 23 समथिंग का रेंज बनेगा। यानी बच्चों आपके 68% सैंपल साइज के मार्क्स किसके अंदर होने चाहिए? 33.2 माइनस 10.63767 और 33.2 मार्क्स प्लस 10.67, यानी 23 से लेकर 44 कोई पूछे, ये बताइए 23 से लेकर 44 मार्क्स, इतने मार्क्स कितने बच्चे के आ सकते हैं? तो आप पता है क्या बोलोगे? टोटल सैंपल साइज के 68% बच्चों के मार्क्स 23 से लेकर 43 के बीच में होंगे। दैट इज वॉट दिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जस्टिफाई टू यू। अब जैसे मैं उसमें और आगे बढ़ूंगा, मैं 33 को माइनस 10.63 जो एक बार किया वो दो बार करूंगा, और 33.2 में दो बार ऐड करूंगा 10.63, तो बच्चों आपको फिगर क्या आएगा पता है? 33 पर लिखता हूं आपके सामने, 33.2 माइनस 10.63767, अगेन माइनस 10.63767, तो हो गया आपका अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स। कितना हो गया? 12। और 33.2 में प्लस 10.63767 प्लस 10.63767 का बेसलाइन लूंगा, तो मेरा डेटा आएगा ये वाला न्यू टू वाला डेटा। तो आई विल बी हैविंग टू डेटा हियर, वन इज लेस एंड वन इज बियॉन्ड। जैसे ये यहां पे माइनस टू, ये माइनस टू आएगा, ये प्लस टू आएगा, और जब यहां पे पहुंचोगे सेम फॉर्मूला को यूज करके, यस रिड्यूसिंग इट, ये 3 माइनस 3 और ये प्लस 3 आएगा। मेरा इच्छा सिर्फ इतना था कि मैं आपको मिनिमाइज लेवल पे जेड स्कोर दिखाऊं। अब ये जेड का जो भी आंसर आएगा ना, माइनस वन वॉट एवर कमिंग टू यू, इसको जब आप देखो, मैं आपके लिए शायद उसको ओपन करके रखा था, चेक इट आउट दिस वन। अब देखो जेड की जो वैल्यू आती है डायरेक्टली आपको दी गई होगी पेपर में, जैसे
यहाँ पे इफ यू जस्ट सी, जैसे ये -1 हुआ, मैं आपको जेड ऑनवर्ड्स करूँ तो आप देख सकते हो दिस इज 0, तो 50% हुआ। एक सेकेंड, हाँ अब यहाँ पे ये 50 हुआ। अब मैं चाहता हूँ टू हैव इट दिस वे, इफ यू जस्ट सी हियर दिस इज 34% एंड दिस इज 34%। जैसे मैंने आपको दिखाया था 68% डेटा मीन के 10% आजू बाजू में होता है। इन 10% यानी यहाँ पे डिविएशन के फर्स्ट बेसिस पे, जब आप डिविएशन को पहली बार यूज करोगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट तो आपको ये फिगर आएगा। जब आपको यही चीज देखनी है वैल्यू रिस्क पे, अब ध्यान से देखना, 9। अब यहां पे देखो इफ यू सी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 99 है, 99 99, तो आप देख सकते हो 99.01 जब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2.33 विल बी योर बेसिस एट 99। यानी कि आपका जेड स्कोर, अगर आप ये सोचो कि मुझे ऐसा कोई डेटा दो जहाँ पे वर्स्ट केस, सी आप है ना, आप अभी क्या कर रहे हो पता है, अभी आप वैल्यू ऑफ रिस्क पे आ रहे हो, मैं उसी एंड डिस्ट्रीब्यूटर को वैल्यू ऑफ रिस्क पे लेकर जा रहा हूँ। हम आपको सिर्फ ये समझना है कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, कितने बच्चों को ज्यादा मार्क्स आएंगे 40 के ऊपर, 45 के ऊपर, ऐसे सब, मतलब वो सब रेंज कहाँ जाएगी बताता हूँ, वो सब रेंज यहाँ आएगी पॉजिटिव में आएगी। बट मैं वैल्यू रिस्क में तो लॉस ढूंढ रहा हूँ, और लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे द रीजन ऑफ यूजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज टू आइडेंटिफाई कि वॉट आर द चांसेस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अभी है ना, अभी ये जो क्वेश्चन में दिया जाता है, देखो यहाँ पे मैं आपको अब लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन एक वर्ड को यूज करता है जिसको कहेंगे कॉन्फिडेंस लेवल। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस। ये आपका जो एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, आपका जेड स्कोर है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है ना। वो क्या है वो समझते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए अपने एग्जाम्पल के हिसाब से सिर्फ एक बच्चे को यहां पे 3 मार्क आए, 3 मार्क, ठीक है, बाकी सब बच्चों को 3 से ज्यादा है, ठीक है, बाकी सब बच्चों मतलब 99% कॉन्फिडेंस लेवल, यानी 2.33 जो आया, मैं उसकी बात करूं इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल। तो अगर क्वेश्चन कहता है ये को रीड करना, तो क्वेश्चन ऐसा कहेगा हमें कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे जेड स्कोर ढूंढ दो, तो इसका मतलब ये होगा कि 99% के बाद का वर्स्ट केस कितना है। तो हमने देखा कि 99% के बाद का वर्स्ट केस में सिर्फ एक स्टूडेंट बैठा है जिसका मार्क्स कितना है, 3 है। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि देर आर 99% चांसेस, देर आर 99% चांसेस कि द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट विल नेवर बी लेस देन 3, विल नेवर बी लेस देन 3। तो अभी फाइनल शॉट फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पस, कि आपके पोर्टफोलियो का सबसे वर्स्ट केस, आपके पोर्टफोलियो का सबसे वर्स्ट केस इस पूरे डेटाबेस में कहाँ छुपा होगा, यहाँ पे। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वैल्यूएट रिस्क का जो आपको आंसर आएगा वो ये कहेगा कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल या 99%, मतलब मैं इस केस में जो लॉस होगा उसकी बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा कि देर आर 95% चांसेस कि ये लॉस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, देर आर 99% चांसेस कि ये लॉस इस लेवल से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी देर इज 1% चांस कि ये लॉस उस दिन
उससे बढ़ जाएगा। यानी जब मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज को हम यूज कर रहे हैं कि एक दिन में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, हमने बोला वही तो सीखा था वैल्यू रिस्क कि एक दिन में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। सर तो 5 लिखा था वैल्यू रिस्क आंसर, 5 तो 5 ही होगा। देखो बच्चों, अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल 95% था तो आप ये समझो कि एज पर इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देर आर 95% चांस कि उसका लॉस 5 से कभी बढ़ नहीं सकता, यानी देर आर 5% चांस कि उसका लॉस 5 लाख से बढ़ भी सकता है। अगर हमने 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर ये ढूंढा होता तो हम ये कहते कि जब 95% चांस कि इसका लॉस 5 के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन इज 1% चांस कि वो बढ़ सकता है। और टू कंक्लूड ईयर, ये हमारे कोविड टाइम पे हमारा वैल्यूएट रिस्क का मैक्सिमम लॉस टूट गया था, मतलब वो जो 1% सिनारियो था ना वो कोविड था, जब हमने हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हो या हमारे मार्जिन कैलकुलेटर्स हो, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडर्स हो, उन्होंने जो मार्जिन एप्स पर VAR सेट किया था उससे भी लॉस उस दिन बढ़ गया था। यानी ऐसे रेयरेस्ट सिचुएशंस में हम उसको नॉर्मल सिचुएशन नहीं कहते, और इसलिए हम वो एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो उस जगह पे यूज क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस, ये दो स्पेस, ये ना ओपन स्पेस है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ ना यहाँ से, देखो यहाँ पे आपको ओपन स्पेस दिख रही है, ये ओपन स्पेस ये कहती है कि ये जो स्पेस है ना वो तुम्हारा नो गारंटी बैरी, नो गारंटी जोन है। 99.67 का टेबल बनता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, 99.67 इज द टोटल ऑफ द थ्री डेटा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, 32.35, 13.5, 34 ऑन दिस साइड एंड दिस साइड उसका टोटल। उसके बाद जो छोटा सा जगह बचता है वो बाकी के 0.33 का बचता है, जिसकी वजह से वो लॉस हुआ था जो कोविड का लॉस आपको हुआ था। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो 99.67 एरिया को कवर करता है। और हमने ये टेबल वार में क्यों यूज किया है, तो वार में हम इसलिए यूज करते हैं जिससे हम ये समझ पाए कि वर्स्ट केस सिनारियो जो हमें हो सकता है उसका चांसेस कितना है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उसका अमाउंट कितना है। विद दिस स्टफ आई कंक्लूड माई सेशन एंड आई जस्ट विश कि ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उसको मैं रिकैप्चर करके देता हूँ। जेड स्कोर की डेटा आपको ऑलरेडी दे दी होगी क्वेश्चन के अंदर, आप 2 मिनट भी देखोगे आपको आइडिया आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू एट रिस्क इज इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इंटू जेड वैल्यू। वो जेड वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, आपके क्वेश्चन में दिए हुए कॉन्फिडेंस लेवल पे। जैसे यहाँ पे आई होप दिस इज बेसिकली वॉट वी वॉन्टेड यू। अभी जैसे यहाँ पे देखो ये जेड वैल्यू है, अब मैंने देखो यहाँ पे ले लिया, अगर मुझे 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना है, जैसे 99% अपने का लॉस मैक्सिमम पता तो कितना होगा, तो मैंने क्या बोला, तो आपको जेड वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2.33 क्या लेनी पड़ेगी। हे भगवान, हे हाँ, मतलब मैं यहाँ पे इंटू 2.33 कर दूंगा आपके आंसर में, इंटू 2.33, यानी अगर जेड 2.33 ली मैंने, 2.33 यानी क्या बच्चों, 3 और 2 का बिटवीन, जैसे आपने -1 +-1 -2 -3 देखा था, तो ये पूरे फेज में 2.33 विल बी योर कंक्लूजन ईयर। ठीक है, आई होप आई हैव ट्राई टू क्रिएट अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एट रिस्क कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कॉन्सेप्ट टुगेदर, एंड एज फार एज क्वेश्चन आर कंसर्न, 4 क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एट रिस्क आर टू सिंपल टू डू इट इफ यू नो दिस फॉर्मूला। आई कैन गारंटी यू विल बी क्लियर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना जरूरी होगा, जिन्होंने पोर्टफोलियो का ढूंढना नहीं आता हो तो की बात है। एंड दैट्स इट, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक यू।